अनिशा क्या कहना चाहोगे बिग बॉस के बाद फर्स्ट इंटरेक्शन है आपका, सो क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ लाइफ में चल रहा है आफ्टर बिग बॉस, कितनी चेंज हुई है लाइफ? बहुत, लाइफ तो सबसे पहले बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं हम, बहुत सारा काम आ गया है और इतना ज्यादा हैक्टिक शेड्यूल चल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे सब हैंडल करें, बट अभी धीरे धीरे सब करना पड़ेगा क्योंकि नाम तो सबको मिल जाता है लेकिन फिर उसको मेंटेन करना और आगे तक लेके जाना, तो लाइफ बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के, बट वही है ना कि जब कुछ आप बनते हो तो फिर आपको सब चीज मैनेज करना पड़ता है, तो अच्छा है, मजा आ रहा है, मजा भी आ रहा है, कभी कभी झंड भी लगता है लेकिन अगर कंटिन्यू करना है तो फिर करना ही पड़ेगा। ओके, सो आपकी यू नो वीडियोस की बात करूँ, कितना कंटेंट अभी आप बना रही हो, कितना टाइम मिल रहा है अपना कंटेंट बनाने के लिए? नहीं, अभी तो बहुत कम बना पा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे क्योंकि अभी बहुत सारा काम है और बहुत सारे कामों में ऐसे उलझे हैं कि पहले सब कुछ सेटल करना है सब कुछ, तो वीडियो ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं, बट ट्राई करेंगे। जैसे मैंने अभी एक यूट्यूब वीडियो डाला, अपलोड किया, फिर बीच बीच में कुछ प्रमोशन का कुछ काम वाम का आ जा रहा है, वो भी करना पड़ रहा है, तो कंटिन्यू कुछ ना कुछ है लगा हुआ, शायद एक हफ्ते में जब सब कुछ प्रॉपर ठीक हो जाएगा तो कंटिन्यू और काम अच्छे से करेंगे। बेबिका के पापा ने कुछ यू नो घर में बातें कही थी कि नेक्स्ट ईयर आपकी शादी होने वाली है, और कहीं ना कहीं हम देख भी रहे हैं कि कुछ चीजें चल रही है, जैसे टोनी के साथ आपको स्पॉट किया जा रहा है, तो क्या हम ये समझे कि नेक्स्ट ईयर शायद शादी हो सकती है मनीषा की? फ्यूचर का तो बता नहीं सकते ना, और अभी फिलहाल टोनी कक्कर के साथ मेरा सिर्फ फ्रेंडशिप है और अभी मिले हुए कितना दिन हुआ ही, दो बार तो हम मिले हैं, दो तीन बार, तो दो तीन बार मिलके ही हम कैसे पता कर सकते हैं कि इनसे शादी होने वाली है जो भी, तो अभी वो मेरे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ ऐसा नहीं है, और बाकी फ्यूचर का क्या होगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो घर में से किसकी ज्यादा याद आ रही है, एल्विश या अभिषेक? दोनों की याद आ रही है, ऑफ कोर्स अभिषेक की थोड़ा ज्यादा आएगी क्योंकि उसके साथ फर्स्ट डे से थे, तो इसमें अभिषेक की तबीयत भी पूछने के लिए आप गई थी और काफी ज्यादा यू नो वो भी वायरल हुआ था, सो क्या कहना चाहूंगी, क्या यू नो फर्स्ट एक्सपीरियंस था बिग बॉस के घर के बाहर निकलने के बाद बिना कैमरे मिलना, बात करना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे लगता है हमारा बॉन्डिंग जो अंदर था सेम बाहर भी वैसा ही है और अच्छा है हम लोग का, मतलब मेरा मानना है कि हमारी दोस्ती गेम के लिए नहीं हुई थी, वो था कि दिल से था, तो अभी बाहर भी दिल से है। इसके अलावा ये जानना चाहिए, अभी रिसेंटली आपके साथ एक आपको और एल्विश का एक प्रैंक जो था वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहूंगी? यही कि मुझे था कि YouTube वीडियो पे कुछ बनाते, तो मैंने सोचा कि चलो प्रैंक वीडियो से स्टार्ट करते कॉल से, और मैंने किया और एल्विश ने उठाया भी, तो वो मस्ती मजाक अच्छा लगा और ऑडियंस को भी अच्छा लग रहा है। एल्विश ने जो सिस्टम हैंग किया था उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने इतना सोचा था कि इतना यू नो होगा और एल्विश का इतना मीटअप भी हुआ, तो पहला तो मीटअप कैंसिल हो गया था जब आप लोग बिग बॉस के घर में थे, उसके बाद जो मीटअप हुआ वो सक्सेसफुल हुआ, क्या कहना चाहूंगे इसके बारे में? हाँ, मुझे घर के पहले नहीं पता था कि एल्विश के बारे में इतना ज्यादा, बट जो थोड़ा फिर अभिषेक बताया और मुझे अच्छा लगा देख के कि एल्विश को बाहर लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं, और अच्छा लगा मुझे ऐसे देख के, अच्छा लगता है मेरा दोस्त है उसका इतना नाम, लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। अच्छा, रिसेंटली अभिषेक अपने ब्लॉग के अंदर बिग बॉस को काफी बातें लेके एक्सपोज किए, तो क्या वो कहीं ना कहीं सही थे कि अंदर एक्चुअल में कुछ और होता था और दिखाया कुछ और ज्यादा था? जैसे कि अभिषेक के हाथ में काफी खून आ गया था बट वो चीज दिखाई नहीं गई थी, लेकिन पूजा भट्ट का रोना दिखाया गया था। ओह, दिखाया गया था। एक्चुअली मैंने अभिषेक का वो ब्लॉग देखा नहीं जो आप लोग बोल रहे हो, मैंने देखा नहीं पहली बात, और अगर अभिषेक कुछ ऐसा बोल रहा है तो वो उसका पर्सनल है, मेरा ये मानना है क्योंकि मैंने अभी तक पूरे एक भी एपिसोड नहीं देखा है बिग बॉस का निकल के। घर में 10-15 बार पूजा का कॉन्फेशन रूम में जाना, यस, वो मोबाइल के साथ नहीं, मोबाइल तो उनके पास नहीं था, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हम लोग 24 घंटे साथ रहते थे, तो मोबाइल नहीं था। हाँ, ये कह सकते हैं कि कन्फेशन रूम में हम लोग से ज्यादा उनको बुलाया जाता था, हम लोग जितने भी कंटेस्टेंट थे उनसे ज्यादा बुलाया जाता था, बट क्या रीजन था ये मुझे नहीं पता। आपने घर के अंदर अभिषेक के साथ फ्लर्टिंग क्यों नहीं की? बिकॉज बाहर तो आप दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा था, तो घर के अंदर क्यों नहीं फ्लर्ट किया? क्योंकि मुझे लगता है
अभिषेक के साथ मुझे कभी फ्लर्टिंग वाला ऐसा फील नहीं आया, क्योंकि हम लोग का रिश्ता बहुत प्योर था। तो एक होता ना कि फ्लर्टिंग उससे किया जाता है, जैसे जैड से मैंने इसलिए किया क्योंकि उसको हिंदी नहीं आता था, मुझे इंग्लिश नहीं आता था, तो वो हम दोनों का कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा जब मुझे इतना मजा आ रहा है तो बाहर लोगों को मजा आएगा। अब एल्विस का था कि वो ऐसे उसको कर दो तो उसको करंट लग जाता था, तो मुझे बहुत हंसी आता था कि यार क्या ही बंदा है। तो हम वैसे कैरेक्टर को देख के मस्ती मजाक करते जिससे वो मस्ती मजाक तक ही लगी है, समझ रहे। और अभिषेक का क्या था ना कि हम दोनों गेम को भी एक जैसा समझ रहे हैं, वो मेरे लिए स्टैंड ले रहा है, हम उसके लिए केयर कर रहे हैं, तो ये एक अलग रिश्ता था जो फ्लर्टिंग से ज्यादा हटके और कहीं ना कहीं ये बहुत प्योर रिश्ता था। इसलिए लोग ने शायद जैड और एल्विस से भी ज्यादा ये हैशटैग चलाया, क्योंकि वो एक प्योरिटी उस रिश्ते में दिखी गई। यार प्यार ही सब कुछ नहीं होता हमेशा, दोस्ती भी कुछ कुछ ऐसी होती है जो प्यार से ऊपर होता है। अभिषेक ने आपका दुपट्टा अभी भी संभाल के रखा है, आपने ब्लॉग में देखा, मुझे अच्छा लगा कि यार वो दुपट्टा अभी तक रख रहा है, इज अ ट्रू फ्रेंड कह सकते हैं। एल्विश की मम्मी ने आज ब्लॉग डाला था जिसमें मम्मी ने बोला था कि आपको मनीषा कैसी लगती है, तो आंटी ने ये रिप्लाई किया था कि बहुत अच्छी लगती है, वो डांस भी अच्छा करती है, तो उस पर आपको क्या रिएक्शन है? यही रिएक्शन है कि थैंक यू आंटी जी, बस आशीर्वाद दीजिए कि अगर आपकी नहीं तो किसी की घर की बहू हम जल्दी बन जाए, बस आशीर्वाद दीजिए। और पराठे मिस कर रहा है आपके हाथों के पराठे, बोला उसने यस यस, क्योंकि जितने टाइम से यू नो बाहर है वो, और वो जहाँ पर भी स्टे कर रहे थे वो बस पराठे ही मंगा रहे थे, जिसपे उनके दोस्त वो मेरे बिना जी नहीं पा रहा है ऐसा, या फिर अब उसको एग्जैक्ट बाहर निकलने के बाद मनीषा रानी का समझ में आ रहा है कि हाँ। यस मनीषा, अभी आपने जैसे मेंशन किया कि यू नो आप जो भी फ्लर्टिंग वगैरह करती थी वो एक यू नो कैरेक्टर देखकर फ्लर्टिंग करती थी, मस्ती मजाक करती थी, लेकिन जब फैमिली वीक हुआ और एल्विश के पापा घर में आए, जब आपको कुछ जो अल्फाज कहा गया था उनके फादर से, बाहर आपके फैंस काफी ज्यादा नाराज हो गए थे, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखिए वो उनके पापा ने क्या वर्ड कहा मुझे पहली बार तो ये सब पता नहीं है, बट बाहर आके जब मैंने कुछ चीजें देखी तो मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि जब हम अंदर थे तो मुझे ऐसे एल्विस के पापा से ऐसा कुछ ऐसा वाइब नहीं आया। अब सब डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, समझिए हम मनीषा रानी है, अब वो अलग फील्ड से आ रहे नहीं आ रहे, अब उन्होंने मेरा क्या ना, हम चीजों को पॉजिटिव वे में लेते हैं, अगर कोई मुझे कुछ बोल भी दिया तो ठीक है, हम इतना माइंड नहीं करते। महेश भट्ट ने आपके साथ बहुत टाइम बैठकर बात की, बहुत टाइम तक का, इसके बारे में क्या कहना चाहूंगे? बस यही कि वो महेश भट्ट है, अगर उनसे किसी को ज्ञान मिल रहा है, कुछ अच्छी बातें सीखने मिल रही है, तो आई फील ऑनर्ड कि हाँ महेश भट्ट ने मुझे कुछ अच्छी बातें बताई लाइफ को लेके, काम को लेके, तो अच्छी बात है। दैट मीन्स मनीषा में एक चीज का चेंज आया है, जो सिर्फ बोलती थी बोलने नहीं देती थी, ये चेंज जरूर आया है। बिल्कुल बिल्कुल। टोनी के साथ म्यूजिक वीडियो तो बिग बॉस में कंफर्म हो गया था, जाना चाहिए वो धमाका कब तक एक्सपेक्ट कर सकती है ऑडियंस? सेंटर लुक, बस बस बहुत जल्द वो धमाका आप लोग को मिलेगा देखने के लिए, अपना दिल थाम के रहिए। रोमांटिक सॉन्ग है या फिर किस टाइप का सॉन्ग है? रोमांटिक नहीं है फिलहाल, क्योंकि तुरंत रोमांटिक दे देंगे तो आप लोग टोनीसा से मोनीसा लोनीसा क्या बना देंगे पता नहीं, इसलिए पहले टोनीसा चल रहा है वैसे भी ट्रेंडिंग पे, काफी चल रहा है टोनीसा हैशटैग, इसलिए बोल रहे हैं कि पहले कुछ ऐसे ही डांस वांस का ही होगा, उसके बाद फिर देखते हैं। ओके गाइस लास्ट क्वेश्चन, ओके सो ये जानना चाहेंगे मेरा दिल हमेशा खुला हुआ है सबके लिए, जो भी आएगा हम हाथ थाम लेंगे, ऐसा कुछ मेरे मन में। मनीषा अभी रिसेंटली अविनाश की बर्थडे हुई थी, बट आप स्पॉट नहीं हुई थी इनकी पार्टी में, जबकि आपका नाम भी दिया गया था हम सबको, क्या आप आने वाली हो? व्हाट वाज द रीजन कि आप गेट टुगेदर नहीं करना चाहती हो? अविनाश ने मुझे इनवाइट किया था और हम जाते, बट सच में अभी इतना सब कुछ चल रहा है ना कि बहुत बिजी, टाइम नहीं मिल पा रहा। इवन पलक ने भी मुझे बुलाया था स्पेशली, और हम पलक के बर्थडे में जाना भी चाहते थे, बट मेरा अभी शेड्यूल बहुत ज्यादा ऐसा चल रहा है कि हम नहीं जा पाए। फेम आप लोगों का एक फेम करके यू नो बाहर हैशटैग बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, आशिका मेरा यस अभिषेक और यस, तो इसके अगर बात करूं तुम्हारे गेट टुगेदर की यू नो वीडियोस में देखने मिले या कुछ आप लोग कर रहे हो प्रोजेक्ट, सो कहां पर नजर आ सकते एक साथ आफ्टर बिग बॉस? एक्चुअली मुझे लगता है एल्विश अभिषेक मेरा हम सबका यूट्यूब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर कभी मिलके यूट्यूब पे भी डालेंगे या पता नहीं कभी कहीं फीचर्स हो सकते हैं, लेट्स सी, बट जल्दी देखने मिलेगा आप लोगों को। अभिषेक से मिलने का क्या प्लान है?
ओके गाइस लास्ट क्वेश्चन, बस जल्दी मिलेंगे हम लोग जल्दी। और कुछ टोनी के बाद, टोनी के अलावा और कुछ आपके प्रोजेक्ट्स है लाइफ पाइपलाइन में? अभी बातें चल रही है बट अभी जब तक कंफर्म नहीं होगा तो बता नहीं सकते। पहले वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल आपको जरूर मिलेगा। अभिषा, टोनिशा, लोनिशा, पोनिशा, पता नहीं फ्यूचर में आप लोग कितना और के साथ मेरा नाम जोड़ दे, सबके साथ आपको सब कुछ दिखने मिलेगा। वेट एंड वॉच। लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे फैंस और व्यूअर्स? फैंस को ये बोलेंगे कि आप लोग प्लीज ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई लव यू ऑल। आप लोग की वजह से आज मुझे इतना ज्यादा प्यार रिस्पेक्ट मिल रहा है और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। लव यू ऑल।